योगी सरकार की गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की समयावधि समाप्त हो चुकी है। अभियान के नाम पर लोक निर्माण विभाग अरबों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन अमेठी जनपद के विकास खंड भेटुआ के निवासियों में अगर गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के विषय में पूछा जाए तो वो बस यही कह रहे हैं, शासन प्रशासन के लिए ग्रामीण जनता संख्या मात्र है, जिनकी जनसंख्या और मतदान में गणना तो होती है लेकिन उनके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में शासन प्रशासन कोई दिलचस्पी नहीं रखता। संडीला निवासी राम लॉर्ड प्रजापति, टीकरी निवासी राजकरण सिंह शिवदुलारे सिंह कहते हैं, क्षेत्र का संडीला संपर्क मार्ग 5 वर्षों से पूर्णतः जर्जर। अमेठी सांसद ने खुद इसके पुनर्निर्माण के लिए लोक निर्माण को निर्देशित किया। पता चलता है कि सड़क का चयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी हुआ है, लेकिन आज तक सड़क का नवीनीकरण नहीं हो सका, न ही गड्ढा मुक्त सड़क अभियान का ही प्रभाव इस सड़क पर पड़ा। अमेठी से दैनिक भास्कर के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। नाम है आपका? रामलोट प्रजापति। ये सड़क संपर्क मार्ग है, कैसा संपर्क मार्ग है, कैसा है इस समय? बहुत खराब है साहब, इस पे चलने कोई साइकिल नहीं कोई चल सकता है, इस पे लेकर के इतना खराब है, अगर रात में हो जाए तो गिर पड़ता है। अच्छा, हम भी कई बार गिरे हैं इस पर। मेरा नाम शिवदुलारे सिंह। ये संडीला संपर्क मार्ग गया हुआ है, कैसा मार्ग है ये? सर बहुत खराब है सर, इस पे चल नहीं सकते हैं। क्या अभी तक बनी नहीं, कितने सालों पहले बनी है सड़क ये? 15-20 साल तो हो ही होगा बने कम से कम, तभी तक रिपेयर नहीं हुई। नहीं, नहीं, कभी रिपेयर। तो इस पे दुर्घटनाएं दुर्घटना होती रहती हैं। मेरा नाम राजकरण सिंह। ये जो रास्ता गया है सड़क, पक्की सड़क है, कैसा रास्ता है, कहाँ का है, किस लिए कहाँ गया है? रास्ता मेन सड़क जो अमेठी से सुल्तानपुर को जाता है जी, उसी से कनेक्टेड है, और ये पद्मिन पूर्वा होते हुए यहाँ तमाम गांवों को इंटरलिंक करता है। सनला तक जाता है, सनला और शिवगढ़ तक वगैरह हर जगह जाता है, लेकिन इस यही रास्ता नहीं, सारे जो इंटरलिंकिंग जो गांव से संबंधित रास्ते हैं वो सब के सब इसी बदतर हालत में हैं, सब टूटे फूटे हैं, सबकी मरम्मत जो है अनिवार्य है, और ये विगत जब से बने हैं मैं समझता हूँ तब से इनकी कभी भी मरम्मत नहीं हुई। वर्तमान सरकार ने गड्ढा मुक्त आदेश दिया था, क्या हुआ अभी तक, कैसा लगा? गड्ढा मुक्त आदेश जो दिखता है वो जो दिखता है जो तहसील से हेडक्वार्टर को जोड़ता है, या जिले को जिले से जोड़ता है, या जो टाउन एरिया के टाउन एरिया के जो सड़कें हैं वहाँ तो गड्ढा मुक्त की सरकार तो तवज्जो दे रही है, जो लेकिन गाँव से को जोड़ने वाली सड़कें हैं उनको हमें नहीं लगता है कि उस पर कोई तवज्जो है। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए, और हम तो क्या यहाँ करीब दसियों सड़क हैं, हम दसियों सड़क के बारे में बता सकते हैं, हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, ये हमारा ग्राम सभा है, टिकरी ग्राम सभा के अंतर्गत ये सब आता है, और उसमें आप कम से कम दसियों सड़क ऐसे हैं जो इंटरलिंकिंग है एक दूसरे पूर्वे से, और सबकी हालत यही सबकी खस्ता हालत है। और अगर आप साइकिल से जाएं और विशेष करके बच्चों को और महिलाओं को अगर मोटर वोटर साइकिल से बैठाए हों तो पक्का है एक्सीडेंट के 100% चांस रहते हैं। यह यहाँ व्यवस्था है।